नमस्कार दोस्तों आज मैं ऊन का एक डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कैसे फानते हैं और कैसे बॉर्डर बनाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी पहले सबसे पहले हम फानेंगे ये मेरा दस नंबर का सिलाई है बॉर्डर को हमेशा हम दस नंबर पे ही बनाते हैं और ज़्यादा पतला अगर ऊन है तो फिर ग्यारह नंबर पे ये देखिए पहले धागे को मैं सलाई के बाहर ऐसे लगा के और अपनी उंगली में दोनों उंगली में फंसा लूँगी अंगूठे की सहायता से पकड़ के और ये सलाई में फंसाएंगे फिर ऐसे फंदा को ऊपर की तरफ से डाल के फिर जो उंगली में दोनों उंगली में है उसको उसके ऊपर हम डाल देंगे और ये हमारा दो फंदा बन गया है मैं फिर से ये आपको एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ देखिए पहले धागे को सलाई के ऊपर ऐसे सटा के ही रखेंगे और दोनों उंगली में अंगूठे की सहायता से पकड़ लेंगे और जो अंगूठे की सहायता से पकड़ें उस धागे को सलाई में डाल के फिर दूसरे हाथ वाले को उसके ऊपर फंसा के और ये दोनों उंगली को उसके ऊपर डाल देंगे और दोनों हाथ से खींच लेंगे ये हमारा दो फंदा बन गया है फिर इसी तरह हम बार बार करेंगे ये देखिए अंगूठे की सहायता से पकड़ लिए फंसा के फिर दूसरे हाथ वाले को फंदा को डाल के फिर दोनों उंगली में जो है उसके ऊपर से हम डाल देंगे इसी तरह हम करते जाएंगे जितना भी आपको फंदा चाहिए होगा उतना आप इसी तरीके से फान लेंगे और सलाई को हम पैर की सहायता से टाइट पकड़ लेते हैं ताकि वो हिले डुलें ना ये देखिए हमारा फंदा इसी तरह हम फानते जाएंगे ऐसे उंगली की सहायता से अंगूठे की सहायता से पकड़ के उसके ऊपर से फंदा डालेंगे और फिर जो दोनों उंगली में फंसाए हैं वो उसी के ऊपर हम कर देंगे इसी तरह हम करते जाएंगे और आपको जितना भी फंदा चाहिए होगा आप उतना फंदा फान लेंगे अगर आपका लड़का अगर दस साल का है तो दस साल के लड़के के लिए आप हम आप पैंसठ या साठ या पैंसठ फंदा डाल सकते हैं और अगर थोड़ा हेल्दी है तो आप सत्तर डाल सकते हैं ये देखिए हमारा फंदा हो गया है कि मेरा टोटल सत्रह फंदा बनना है सत्रह फंदा डाल के हम आपको बस बताएंगे ये देखिए नीचे का बन गया छोटी-छोटी की तरह हो गया है और ये हमारा फंदा बन गया है अब इसमें हम आपको बॉर्डर कैसे बनाया जाता है आपको बताएंगे और वो जो दोनों वाला फंदा है उसको हम गाठ लगा के कर लेते हैं आगे गाठ लगा देने से सही रहता है ये देखिए सारे सिलाई में राउंड राउंड की तरह बना हुआ है तो उसमें हम एक सलाई दूसरे सलाई को उसके अंदर डाल के फंदे की सहायता से बनाएंगे ये देखिए ऐसे हम डालेंगे इसके अंदर अपने पीछे से अपने आगे की तरफ निकालेंगे और ये ध्यान दीजिएगा कि जो छोटा वाला हमारा धागा है उससे ना बीने उसको हम छोड़ देंगे जो गोले वाला है उससे हम बीनेंगे अभी देखिए इसके ऊपर से हम डालें फंदा अब अंगूठी की सहायता से उस फंदे को लेते हुए हम निकालेंगे ये ऐसे निकल गया अब जो दूसरे सलाई में फंदा है जो पहले से फांदे हुए हैं उसको उतार देंगे ये हमारा एक फंदा बन गया और फंदे को हम पीछे की तरफ करेंगे अब फिर देखिए सलाई कैसे हम डाल रहे हैं आगे से पीछे की तरफ जाएगा निकलेगा आगे से पीछे की तरफ अब इसको फंदे को हम सलाई के ऊपर नीचे से लेते हुए डाल लेंगे फिर उसको हम निकाल लेंगे फिर जो हम फांदे थे फंदा उसको हम उतार देंगे इसी तरह हम करते जाएंगे फंदे को आगे करेंगे और ये जो आगे करके हम बिन रहे हैं और नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है वो हमारा उल्टा बनेगा ये देखिए अंगूठे की सहायता से हम इसको निकाल दिए और जो फाने हुए थे उसको उतार दिए अब फंदे को पीछे करने के बाद अब आगे से जो पीछे हम निकालेंगे उसको हम सीधा कहते हैं ये देखिए हमारा ये सीधा भी बन गया अब फंदा आगे करके हम उल्टा बनाएंगे इसी तरह एक उल्टा और एक सीधा ये हम बनाते जाएंगे पूरी सिलाई हम इसी तरीके से बनाएंगे ये देखिए हमारा बनते दे जा रहा है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये देखिए हमारा बन गया है लगभग पूरा सिलाई होने ही वाला है इसी तरीके से आप फंदे को आगे पीछे करते हुए बनाएंगे ताकि आपका ये बॉर्डर बिगड़े ना और ये एक उल्टा और एक सीधा का बना हुआ है बॉर्डर कई तरीके से बनता है लेकिन ये जो शुरुआत में सीखते हैं उनके लिए आसान रहता है ये देखिए हमारा ये बन गया है ये हम जो लास्ट फंदा बनाए हैं ये हमारा उल्टा बना हुआ है तो जब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा सबसे पहला वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे एक सिलाई हमारा बन गया है अब हम दूसरे सिलाई को पलट के बनाएंगे ये हमारा उल्टा था अब इधर से जब हम बनाएंगे तो सीधा बनेगा तो सीधा फंदा के लिए हम आगे से पीछे की तरफ सिलाई निकालेंगे आगे से पीछे की तरफ निकलेगा सलाई ऐसे अब नीचे से ऊपर की तरफ धागा आया फिर इसको बनाए फिर फंदा को आगे करेंगे अब उल्टा बनाएंगे फिर फंदा पीछे करके सीधा बनाएंगे ये आप देखिएगा कि हमारा सत्रह फंदा फाने हैं तो विषम संख्या है तो जब भी हम शुरुआत करेंगे जिस फंदे को शुरुआत करेंगे वही फंदा हमारा लास्ट में भी जाएगा अगर सीधे से शुरू किए हैं तो लास्ट भी हमारा सीधा से ही होगा और उल्टा से शुरू करेंगे तो उल्टा लास्ट फंदा भी हमारा उल्टा ही होगा ये देखिए इसी तरह फंदा को आगे पीछे करते हुए हम बना लेंगे उल्टा और सीधा ये हमारा दूसरा सिलाई भी कंप्लीट होने वाला है ये देखिए हमारा सीधे से शुरू हुआ था तो सीधे पे ही खत्म हुआ ये हमारा दो सिलाई हो गया है देखिए उल्टा और सीधा चोटी और गठी हमारा समझ में आ रहा है धीरे धीरे अब हमारा तीसरा सिलाई बनेगा तो ये हमारा उल्टे से शुरुआत होगा क्योंकि सीधे पे ख़त्म हुआ था तो उल्टे से ही शुरू होगा अब हम नीचे से ऊपर की तरफ ले आएंगे सिलाई को नीचे से ऊपर की तरफ डालें अब उसमें हम फंदा फसा के निकाल लेंगे फिर इसी तरह हम फंदे को पीछे करके सीधा बनाएंगे इसी तरीके से हम पूरा सलाई बनाते जाएंगे ये देखिए हमारा तीसरा सिलाई भी कंप्लीट होने जा रहा है हम इसको उल्टे से शुरू किए थे तो उल्टे पे ही आके ख़त्म हुआ है ये भी हो गया हमारा अब देखिए थोड़ा अच्छे से समझ में आने लगा है चोटी चोटी दिख रहा है और बगल में उल्टा उल्टा भी दिख रहा है तो यही एक चोटी एक फंदा चोटी का और एक फंदा उल्टा इसी तरह बॉर्डर बनता है ये एकदम आसान बॉर्डर है आप भी बनाइए इसे ये देखिए हमारा इतना बॉर्डर बन गया है अब इसके ऊपर हम जब भी बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इसके ऊपर हम फंदा बढ़ाते हैं कम से कम चार या पांच फंदा या आप और भी बढ़ा सकती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ और ये फंदा बढ़ाने के बाद अभी इसमें हम उल्टा सीधा बनाएंगे तो अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि उल्टा और सीधा कैसे बनाते हैं इसी के ऊपर बनेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और हमारे चैनल बने रहने के लिए धन्यवाद ये देखिए दस नंबर पे हम बॉर्डर बनाए हैं